थोड़ी हिंदी भी पढ़ूं और पांजा राष्ट्रभाषा मानते थे दोनों लिपियों में, उर्दू लिपि में भी और देवनागरी लिपि में भी, और ज़िंदगी भर वो इसकी कोशिश करते रहे। वो ये कहते थे कि उर्दू और हिंदी दोनों जो हैं हिंदुस्तानी की पालने वाली भाषाएं हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो उर्दू और हिंदी के साथ को भी नकारते नहीं थे, बल्कि उनका आदर करते थे और चाहते थे कि वो एक सिमत जो है ज़बानों को दें राष्ट्रभाषा के सिलसिले में। बहरहाल मैं, और ये वो रिश्ता है कि जिसकी वजह से कट्टी मौनी साहब ने जब मुझे फ़ोन किया, कहा कि आज के इस समारोह में आप आइए और हमारे साथ रहिए, तो मैं इनकार नहीं कर सका। मैं चाहे बम्बई यूनिवर्सिटी में उर्दू का प्रोफेसर रहा हूँ, चाहे मैं ने जो भी काम किया हो उर्दू में मेरा काम ज़्यादा है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी को आज भी अपना ईमान समझता हूँ। कौमी धारे के लिए, कौमी ज़िंदगी के लिए गांधी जी की हिंदुस्तानी की अहमियत कल भी थी, आज भी है, और मेरा ख़्याल है आइंदा भी रहेगी। मैं दक्षिण भाषा और हिंदी विभाग मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का शुक्रगुज़ार हूँ और उसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि आपने मुझे इस कौमी सेमिनार या राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रसिद्ध हिंदी लेखक और कवि शमशेर बहादुर सिंह की जन्म शताब्दी के मौके पर मुझे शरीक होने का मौका दिया। अपने शायरों और अदीबों को याद करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आपने भी शमशेर बहादुर सिंह को जो आज के दिन याद किया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायर और अदीब, साहित्यिक और कलाकार हमारी तहजीबी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया होते हैं, और कोई भी मुल्क अपनी तहजीब और सभ्यता, आर्ट और कला, साहित्य और संस्कृति से पहचाना जाता है और पहचाना जाना चाहता है। सियासत बदलती रहती है, आज ये कल हमारी बारी है, लिहाजा सियासत में आया राम और गया राम की सूरत रहती है, लेकिन शायरों और अदीबों को जो हमारे सांस्कृतिक जीवन में या तहजीबी ज़िंदगी में जो खिदमात या योगदान देते हैं, वो हमारी तारीख का एक अनमिट हिस्सा होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही महान कवि और लेखक थे जिनके वजह से हिंदी अदब को प्रोत्साहन मिला, हिंदी साहित्य में उनका दर्जा बहुत बुलंद है। हमारी यह भी खुशकिस्मती है कि हिंदी साहित्य के इस महान कवि और लेखक यानी शमशेर बहादुर सिंह जी के साथ उर्दू के मुमताज़ शायर फैज़ अहमद फैज़ के जन्म को भी इसी साल 100 साल हो रहे हैं और उनके यौम पैदाइश की 7 साला बरसी भी मनाई जा रही है। इस लिहाज से मैं इस साल को हिंदी और उर्दू अदब के संदर्भ में एक मुबारक साल समझता हूँ। उर्दू और हिंदी हमारी कौमी ज़िंदगी की दो अहम तरीन ज़बानें हैं। हिंदुस्तान की हमारे दूसरे ज़ुबानों की भी बड़ी अहमियत है और वो भी अपने अपने जगह पर बड़ी अहमियत रखती हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी के मुकाबले में उनका दायरा इलाकाई और महदूद है। और उर्दू और हिंदी जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदुस्तानी कहते थे, वो शुमाल और जुनूब और मशरक़ और मगरिब यानी उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम में समझी जाने वाली राबते की या लिंक लैंग्वेज है, और हमें इन दोनों ज़बानों पर यानी हिंदी और उर्दू पर इस लिहाज से भी फ़ख्र है कि वो सारे हिंदुस्तान को आपस में जोड़े रखती है। महात्मा गांधी अपनी हिंदुस्तानी की कल्पना में उर्दू और हिंदी दोनों को बराबर दर्जा देते थे और हमारे सारे कौमी लीडर गांधी जी के इस मामले में साथ थे। हमें उर्दू और हिंदी दोनों को तरक्की देनी चाहिए। हमारी अदबी रिवायत या साहित्यिक परंपरा में ये दोनों ज़ुबानें आपस में गले मिलती हुई दिखाई देती हैं। उर्दू शायरी में गीत, दोहे, बारह मासे,
हिंदी रिवायत का हिस्सा है। इसी तरह हिंदी ही नहीं बल्कि सारी हिंदुस्तानी ज़बानों में भी गज़ल का हुस्न और उसकी चलत फिरत और उसका नाजो अंदाज और उसकी फिक्री या वैचारिक भावनाओं को अपनाए हुए है। हिंदी के बगैर उर्दू और उर्दू के बगैर हिंदी कमज़ोर हैं। ये दोनों ज़बानें एक दूसरे के लिए हमेशा से ताकत रही हैं, जिनका सियासतदान अंदाज़ा नहीं कर सकते या अगर अंदाज़ा करते भी हों तो उसे अपने सियासी मकासद के लिए भूल जाते हैं। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैंने आज के इस सेमिनार की सदारत की दावत जो मंजूर की उसकी वजह यही है कि मैं अपने तौर पर और बम्बई के महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेंटर हिंदुस्तानी प्रचार सभा के ज़रिए हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू दोनों को एक अरसे तक खिदमत करता रहा हूँ। यहाँ मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा मौका भी था कि मैं उर्दू के साथ हिंदी को भी एक मखसूस संदर्भ में समझने लगा। जहाँ तक शमशेर बहादुर सिंह के लेखन का ताल्लुक है, वो गांधी जी की विचारधारा यानी हिंदुस्तानी के करीब है। मैं समझता हूँ कि उर्दू वालों को हिंदी और हिंदी वालों को उर्दू ज़रूर पढ़नी चाहिए, और अगर वो इन दोनों के आलिम न भी हों तो उन दोनों ज़बानों की बुनियादी बातों से उनको ज़रूर अंदाज़ा करना चाहिए और उसका मुताला या अध्ययन करना चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह की खसूसियत ये थी कि उन्होंने हिंदी के साथ जो उनकी साहित्यिक भाषा थी उर्दू भी पढ़ी। वो डॉक्टर एजाज हुसैन के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शागिर्द थे और उन्होंने बीए तक उर्दू की तालीम हासिल की थी। इसका उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। वो गज़ल और नज़्म दोनों के बहुत अच्छे शायर थे। उनकी गज़लों में जो निखार पैदा हुआ वो उनके उर्दू मुताले की देन है। उर्दू और हिंदी के हवाले से उन्होंने अपनी छोटी सी नज़्म में दोनों ज़ुबानों के बारे में अपने दिली जज्बात का इजहार किया है। वो इस तरह है, वो अपनों की बातें वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी हमारी ही उर्दू, ये कोयल व बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा उसका रस कौन जाने। इन शेरों के ज़रिए उनके उर्दू और हिंदी के ताल्लुक से विचार बहुत खूबसूरत ढंग से सामने आए हैं। उनके ये ख्यालात हमको दावत देते हैं कि हम उर्दू और हिंदी के ताल्लुक से इज्जत और मोहब्बत के जज्बात रखें। उनकी शायरी में गज़लें भी हैं और नज़में भी जो भाषा की दृष्टि से उर्दू हैं। इसी तरह उनके यहाँ रुबाइयाँ और क़ते भी मिलते हैं, ज़ाहिर है ये भी उर्दू के ज़रिए असर लिखे गए हैं। उनकी बहुत सी नज़में और गीत भी खालिस ज़ुबान के एतबार से उर्दू हैं, लेकिन जब उन्हें तहजीबी लिहाज से कुछ कहना होता तो वो हिंदी का सहारा लेते और कभी कभी खालिस हिंदी और कभी कभी उर्दू और हिंदी मिली जुली ज़ुबान में अपनी कविताएँ, नज़में या गीत लिखते। जब वो मिली जुली ज़ुबान की शायरी करते हैं तो मुझे नारायण प्रताप बेताब याद आते हैं, जो उर्दू के बड़े ड्रामा निगार थे। उनका ड्रामा महाभारत बहुत मशहूर हुआ। उस ड्रामे में दो किरदार, दो पात्र आपस में गुफ्तगु करते हैं तो एक किरदार पूछता है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं या उर्दू में, तो दूसरा किरदार जवाब देता है कि न खालिस उर्दू न ठेठ हिंदी, ज़ुबान गोया मिली जुली हो। न खालिस उर्दू न ठेठ हिंदी, ज़ुबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिस्री, डली डली दूध में धुली हो। जैसा कि मैंने इससे कबल जिक्र किया, वो फैज़ अहमद फैज़ से बहुत प्रभावित थे और फैज़ से उनकी मोहब्बत का नतीजा है कि उन्होंने कई साल पहले फैज़ की शायरी को हिंदी पढ़ने वालों के लिए देवनागरी लिखावट में संपादित किया। वो चाहते थे कि इस तरह वो उर्दू और हिंदी में एक पुल कायम करें। शमशेर बहादुर सिंह की विचारधाराओं में फैज़ की विचारधाराएं मिली हुई हैं, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसे भी महसूस होता है कि वो मौजू के एतबार से एक ही तरह सोचते और नए ज़माने के नए तकाज़ों से अपनी शायरी को हम आहंग करते। फैज़ सरदार जाफरी और कैफी आज़मी वगैरह के यहाँ चिली के मशहूर शायर पाब्लो नेरुदा के असरात भी पाए जाते हैं। इन तीनों शायरों का पाब्लो नेरुदा के से एक अजीम रिश्ता है। यही कैफियत
शमशेर बहादुर सिंह की यहाँ भी पाई जाती है। उन्होंने पाब्लो नेरुदा पर भी एक नज़्म कही। इस तरह वो अपने समकालीन उर्दू शायरों और अदीबों के बारे में भी जज्बाती हो जाते हैं। यहाँ तफसील में जाना मुश्किल है, लेकिन इस मौके पर मैं सिर्फ एक नज़्म का हवाला देना चाहूँगा जो उन्होंने उर्दू की मशहूर अदीब और लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर के इंतकाल पर कही थी। यहाँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अभी जो आपने मकाले पेश किए गए या तकरीरें हुई, उस सिलसिले में जो है जो दो बातें बहुत सामने आईं वो ये कि हमको जो है कंपेरेटिव लिटरेचर को तो ये को बढ़ावा देना चाहिए, ख़ास तौर से उर्दू और हिंदी के हवाले से। मैं ज़्यादा कंपेरेटिव लिटरेचर का बहुत ज़्यादा कायल हूँ, लेकिन उर्दू और हिंदी इतनी करीबी ज़ुबानें हैं कि दुनिया में शायद इतनी मिलती जुलती ज़बानें जो है दूसरी न होंगी। तो इस लिहाज से और हमारी जो हिंदुस्तान की जो रिवायत जो है मिली जुली तहजीब की गंगा जमनी रिवायत जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए, उसकी तरवीज और इशाद के लिए ज़रूरी है कि हम इस किस्म के विषयों पर ज़्यादा तवज्जो दें। हमारा मुल्क जो है एक मल्टी कल्चरल एंड मल्टी लिंगुअल मुल्क है। हमारी पास पड़ोस की ज़ुबानें बहुत मालदार हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ जो है हमारी सभ्यता जो है सियासतदानों से ज़िंदा नहीं रहेगी, हमारी सभ्यता जो है शायरों से ज़िंदा रहेगी, इंटेलेक्चुअल से ज़िंदा रहेगी, कवियों से ज़िंदा रहेगी, हमारी सभ्यता जो है भर्तृहरि से ज़िंदा रहेगी, अमीर खुसरो से ज़िंदा रहेगी, गालिब से ज़िंदा रहेगी, इकबाल से ज़िंदा रहेगी, भारती से ज़िंदा रहेगी और दूसरे जो हमारे बड़े जो ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई से ज़िंदा रहेगी। हमें अपने पास पड़ोस की ज़ुबानों को भी सीखना चाहिए और इसमें मैं समझता हूँ कि जो इसमें एक मोहब्बत का जो रिश्ता जो पैदा होगा हमारी और सभ्यता के लिए को जो रिचनेस मिलेगा उसकी एक गैरमामूली कदर होगी जो शायद आज हम आप शायद सोच न सकें, लेकिन आइंदा नस्ल को जो है इससे जो है जो एक फ़र्क होगा हमारी इस तारीख के सांस्कृतिक तारीख में वो एक गैरमामूली फ़र्क होगा। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूँगा कि यहाँ प्रेमचंद का भी ज़िक्र हुआ और शमशेर बहादुर सिंह की शायरी का भी ज़िक्र हुआ। ये दोनों जो हैं वो उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में होते थे। ये अब ये ज़माना भी आने वाला है कि कुछ लोग जो हैं वो हिंदी में लिखेंगे और उसका तर्जुमा उर्दू में भी हो। तो इस हमें इस तरफ जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम ये काम करें। मैं उर्दू और हिंदी को एक कॉम्प्लीमेंट्री ज़बानी समझता हूँ। हमें दोनों ज़बानों का एक अच्छा उस पर उबूर होना चाहिए और हमारे उर्दू के शोबों को जो है हिंदी पढ़नी चाहिए और हिंदी के शोबों को उर्दू पढ़नी चाहिए और उर्दू रस्मुलख़त के साथ उर्दू लिपि के साथ पढ़नी चाहिए। उर्दू के आम शख्स जो है वो हिंदी जानता है, लेकिन हिंदी वाले जो हैं उर्दू जानते ज़रूर हैं लेकिन उर्दू रस्मुलख़त से उर्दू लिखावट से वाकिफ़ नहीं है। तो उर्दू लिखावट से उर्दू को जानना जो है ये भी बहुत ज़रूरत है। जो नज़ाकतें जो बारीकियाँ जो हैं उर्दू रस्मुलख़त में हैं वो उर्दू से मखसूस हैं, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। वो ये है कि एक साहब वही हिंदुस्तानी प्रचार सभा में मुझसे उर्दू सीखने के लिए आए। मैंने कहा कि आप उर्दू क्यों सीखना चाहते हैं, तो कहने लगे कि मुझे गालिब पढ़ना है। मैंने कहा शिव मंगल सिंह सुमन ने गालिब का दीवान जो है देवनागरी में मुरतब किया है, एडिट किया है, आप उससे आप गालिब पढ़ सकते हैं। तो कहने लगे कि नहीं, गालिब को मैं गालिब की ज़बान में और उसके रस्मुलख़त में उसकी लिपि में पढ़ना चाहता हूँ, दूसरी लिपि में गालिब को पढ़ना जो है ज़्यादती है। तो मैं समझता हूँ कि आज उर्दू रस्मुलख़त के जो हालात जो हैं मेरा ख़्याल से उर्दू वालों से ज़्यादा जो है हिंदी वाले उसमें जो है को आगे आना चाहिए और उर्दू रस्मुलख़त की या लिपि की भी को भी प्रसार करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हिंदी डिपार्टमेंट उस सिलसिले में जो है बहुत बड़ा योगदान कर सकता है और हिंदुस्तान का ये ताजमहल यानी उर्दू ज़बान जो है
हिंदी का सहारा चाहती, हिंदी की तवज्जो चाहती है कि ये जो है एक दूसरे के उससे जो है तवानाई हासिल हो। उर्दू यूनिवर्सिटी जो है उर्दू के फैलाव के लिए, प्रसार के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में हिंदी डिपार्टमेंट की भी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उर्दू की तरफ ख़ास तवज्जो करे और अपने स्टूडेंट्स को भी जो है उर्दू से आगाह करे। सिर्फ आगाह बोलचाल की हद तक नहीं, बल्कि वो उर्दू लिटरेचर जब पढ़ें तो उर्दू रस्म अल ख़त में पढ़ें तो इसके माने जो है कुछ और होंगे।